कर्मचारी ने कलेक्ट्रेट के सभी विभागों में की तालाबंदी और किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के रामपुर में उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट के सभी विभागों में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही सभी ने अपनी मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा और नायब तहसीलदार को 10% पदों पर पदोन्नति और मेरे साथ कम से कम 80 कर्मचारी कलेक्ट्रेट कर्मचारी के और ये संपूर्ण पूरी तहसीलें हमारी वाले नवीन पेंशन योजना एनपीएस को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा। ये हमने तालाबंदी करके टोटल विरोध करेगा वही कार्य तालाबंदी करके पूरे कलेक्ट्रेट की और ये यहाँ ही नहीं प्रांतीय अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी जी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है पूरा उत्तर प्रदेश का कलेक्ट्रेट वाले और हमारे महामंत्री जी हैं आप इसे। मेरा नाम सैयद लियाकत अली जिला अध्यक्ष कलेक्ट्रेट किस तरीके का विरोध कर रहे हैं। पवन कुमार सक्सेना जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री कलेक्ट्रेट संघ। हमारी 24 प्रमुख मांगे हैं जिसे मेन रूप से कैबिनेट से सिर्फ पास किया जाना है। सारी मांगों में जो शासन से दिशा निर्देश हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। कैबिनेट स्तर पर लंबित मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है।